गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल लर्न अवर जनरल मोरल साइंस. ओके सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 दैट इज़ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. आज हम इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में रीड करने वाले हैं. इंडिया इज़ अ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया को त्यौहारों का, फेस्टिवल्स मतलब होता है त्यौहारों का लैंड मतलब भूमि कहा जाता है. आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शंस गिवन. आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिए हैं एंड उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया गया है. आपको उसे बताना है कि वो एक्चुअल में कौन सा फेस्टिवल है. ओके सो फर्स्ट इज इट हाइलाइट्स द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द बफेलो डेमोन महिषासुर आफ्टर अ लॉन्ग बैटल ब्रिंगिंग फोर्थ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर विल. ठीक है, एक बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद, बहुत ही लॉन्ग लड़ाई बैटल के बाद जो भैंस पे सवार बफेलो मतलब भैंस पे जो भैंस राक्षस महिषासुर था, ठीक है, वो पर देवी दुर्गा की जीत का क्या है, जीत के लिए एक विक्ट्री ऑफ द हाइलाइट्स लिखा हुआ है ना, जीत पर प्रकाश डालता है जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती. फॉर द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल एविल. एविल मतलब होता है बुराई, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है. ठीक है, सो आप सभी को पता है ये कौन सा फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा. ओके सो जो ई है ऑप्शन, यहाँ पर आप ई लिख लीजिएगा. एंड सेकंड वन इज द ओकेशन ऑफ मार्क द ट्रिम्प ऑफ लॉर्ड रामा ओवर द डेमोन किंग रावण. ठीक है, आप सभी को पता है कि दशहरा आने वाला है. सो आप सभी जानते हो कि इस ओकेशन पे हम क्या करते हैं, जो राक्षस था रावण उसे भगवान जो हमारे राम थे उनके विजय का क्या माना जाता है, उनकी जीत का मार्क माना जाता है. मतलब इस दिन भगवान राम ने जो रावण था उसे मारा था, जहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी. तो ठीक है, इस दिन क्या किया, ये कौन सा फेस्टिवल है, दशहरा. सो करेक्ट आंसर ही ऑप्शन बी, दशहरा. ओके, यहाँ पर बी लिख लीजिएगा. एंड थर्ड वन इज़ इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मैरिड वुमेन फॉर इंश्योरिंग वेडेड ब्लिस एंड लॉन्ग लाइफ फॉर देयर हस्बैंड्स. ठीक है, ये वाला जो फेस्टिवल है क्या है, ये जो मैरिड वुमेन होती है, जो शादीशुदा जो महिला होती हैं, वो अपनी पति के लिए और अपना जो उनका जो शादी होता है उसको और ज़्यादा ब्लेस मतलब आनंद और लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, लंबा जीवन बनाने के लिए, ठीक है, उस दिन ये व्रत रहती हैं, इस दिन उनका फास्ट रहता है, वो अपने हस्बैंड्स के लिए रहती हैं. सो दैट इज़ आप सबको पता चल गया हो ये कौन सा फेस्टिवल है, दैट इज़ करवा चौथ. ओके, ऑप्शन सी यहाँ लिख लीजिए. एंड नेक्स्ट इज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल फॉलिंग इन द मंथ ऑफ कार्तिक अक्टूबर नवंबर सेलिब्रेटिंग द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर अ एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स. आप सभी जानते हो कि ये वाला जो फेस्टिवल है ये सबसे ज़्यादा जो हिंदूज़ हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कार्तिक महीने में आता है, अक्टूबर नवंबर में महीने में पड़ता है. और इस दिन 14 साल के बाद जो हमारे राम जो भगवान थे, भगवान राम थे, उन्होंने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे. इस खुशी में, इस जश्न में क्या किया जाता है, दीपावली मनाया जाता है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, दीपावली. ओके, एंड लास्ट वन इज़ इन फ्यूचर बोट रेसेस इन which elegant snake boats decorated with flowers and flags and manned with 30-40 rowers compete. ठीक है, ये बहुत ही क्या लिखा हुआ है कि इसमें नाव क्या किया जाता है, बोट रेसिंग की जाती है और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों और जो फ्लैग होते हैं, फ्लावर और फ्लैग, फूल और झंडे से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है. एंड यहाँ पर सुंदर क्या किया जाते हैं, स्नेक्स बनाए जाते हैं, स्नेक बोट बनाया जाता है. एंड यहाँ पर 30-40 रोवर्स जो होते हैं, 30-40 जो 30-40 लोग क्या करते हैं, ये वाला कॉम्पिटिशन पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. सो दैट इज़ ओणम. ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है, ये ओणम फेस्टिवल है. सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कौन कौन सा फेस्टिवल है. आप इसे सभी अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. थैंक यू.